hello students welcome to the online class and in this class we are going to start with our new chapter that is transpiration and this is the first part of the chapter in which we are going to cover all these topics first of all transpiration then experiments to prove transpiration then measurement of transpiration then potometer method to measure the rate of transpiration and lastly kinds of transpiration okay so let's begin first of all what is transpiration द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्राम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लान्टज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन क्या होता है प्लांट्स में से जो भी वाटर लॉस होता है इन फ्रॉम देअर एरियल पार्ट इस कॉल्ड एस ट्रांसपिरीशन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ट्रांसपरेशन कहते हैं ठीक है रूट्स क्या करते हैं सॉयल से वॉटर को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट uh, की बॉडी में उसे सर्कुलेट करते हैं ओके okay? फिर उस प्लांट्स की बॉडी में से जो भी वाटर uh, एवोपरेट uh, होता है इन द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वाटर वेपर के फॉर्म में जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं प्लांट की बॉडी से बायो की टर्म में बायोलॉजी की टर्म में हम उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं ठीक है वो क्या होता है ट्रांसपायर होता है प्लांट की बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ओके सो दिस इज़ योर मेथड ऑफ ट्रांसपिरेशन साइड में आप डायग्राम के थ्रू शो uh, किया गया है कि हमने एक बेलजार लिया हुआ है बेलजार के अंदर हमने एक पॉटेड प्लांट रखा हुआ है पॉटेड प्लांट में हमने ये आ, इसके थ्रू हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि प्लांट की बॉडी में से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर के फॉर्म में बाहर आते हैं इसके लिए हमने क्या किया पॉटेड प्लांट का जो नीचे वाला जो पॉट वाला हिस्सा है जो सॉइल वाला पार्ट है उसको हमने एक पॉलीथिन कवर पॉलीथिन बैग से उसको कवर कर दिया कि वहाँ से कोई भी वाटर जो हो वो एवोपरेट ना हो सके हमें एवोपरेशन कहाँ से दिखाना है प्लांट की बॉडी में से ठीक है तो हमने नीचे वाला uh, जो पार्ट है उसको uh, kan, uh, कवर कर दिया है कि वहाँ से कोई भी ऑपरेशन या वहाँ से कोई भी ट्रांसपेरेशन ना हो सके वाटर का ठीक कुछ आज अब उसके बाद फिर हमने क्या किया वो बेलजार को हमने क्लोज कर दिया है आ, उसके आ, तीन चार घंटे के बाद में तीन चार आवर्स के बाद में हम देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वाटर की वो हमें पूरे बेलजार में दिखने लगती हैं तो हैंस इट्स प्रूफ दैट कि वाटर जो था वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थे वो प्लांट से बाहर निकले हैं और एवोप सॉरी ट्रांसपीड ट्रांसपायर होकर के वो बेलजार में इकट्ठे हो गए हैं ठीक है क्योंकि बेलजार में वो वाटर पेपर के फॉर्म में इकट्ठे हुए थे तो जैसे वो कूल होते जैसे ही वो कूल होते हैं तो वो वाटर के फॉर्म में वापस चेंज हो जाते हैं ठीक है ना आपने देखा होगा कि जब आप वाटर बॉयल करते हैं तो उसमें से वाटर जो होता है वो एवोपरेट होकर के बाहर आता है एंड जैसे ही आप एक कवर उसके ऊपर लीड लगा देते हैं तो वो वाटर वेपर के जो फॉर्म्स होते हैं वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उस पूरे लिड को कवर कर लेते हैं तब हमें वेपर्स नहीं दिखते हैं वो वाटर के ड्रॉपलेट्स से हमें दिखते हैं ठीक है तो वाटर पेपर क्या होता है जस्ट एक फॉर्म ऑफ वाटर होता है जो कि अगर हम उसे कूल cool डाउन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद में हमें वाटर के ही फॉर्म में आ, वापस कन्वर्ट हो जाता है वेपर ठीक है ना तो जैसे ही हमने पॉटर प्लांट को बेलजार के अंदर में कवर करके रखा तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स वाटर की दिखने लग गई क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ भी ड्रॉपलेट्स नहीं था बेलजार में कोई भी वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं थे वाटर के आ, कुछ घंटे बाद अगर हम देखते हैं तो वाटर के ड्रॉपलेट्स वहाँ पे दिखने लगते हैं और वाटर के ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से क्योंकि हमने नीचे तो कवर किया हुआ था बेलजार में भी कहीं वाटर नहीं था तो इट्स प्रूफ दैट कि प्लांट जो होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने बॉडी के अपने बॉडी से बाहर निकालता ट्रांसपायर करता इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ओके सो नेक्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ट्रांसफरेशन एक और एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं किस तरीके से ट्रांसफरेशन प्रूव होती है हमने दो बेलजार लिया है यहाँ पर बेल uh, बेलजार वन एन बेलजार बी ठीक है बेलजार ए में हमने एक प्लांट रखा हुआ है उसमें कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रखा हुआ है स्टिक लगा करके बेलजार बी में भी हमने सेम वही किया हुआ है कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रखा हुआ है कोई भी प्लांट उसमें हमने नहीं रखा है ठीक है कोवाल क्लोराइड का पेपर जो होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है ओके okay? तो बेलजार ए में जब हमने देखा कि हमने प्लांट रखा हुआ है कुछ देर बाद आ, नीचे का हमने पार्ट हमने उस वैसे ही वापस कवर कर दिया क्योंकि कोई भी ट्रांसपरेशन सॉइल से या रूट से ना हो सके हमें तो चेक करना है कि वाटर आ, प्लांट की बॉडी से ट्रांसपरेशन होता है वाटर बाहर आ रहा है ठीक है ना तो हमने क्या किया कि उसको पूरी तरीके से नीचे वाला पार्ट हमने कवर कर दिया है अब थोड़ी देर बाद हम बेलजार ए में देखते हैं कि क्लोराइड का जो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है वो डार्क ब्लू से पिंक कलर में चेंज हो जाता है एक्चुअली कोबाल क्लोराइड का पेपर जो होता है उसका एक फैक्टर होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में या वाटर से बनी कोई भी वाटर जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गए या आपके वाटर पेपर हो गए इसके कांटेक्ट में अगर वो आएगा तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है ठीक है तो वो ब्लू से पिंक में चेंज हो जाता है द सेम वे आप देख सकते हैं कि बेलजार ए में जो हमने ब्लू पेपर रखा था वो वापस पिंक कलर में चेंज हो जाता है क्यों क्योंकि वहाँ पे वाटर वा, के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे ठीक है बेलजार बी में कोई भी प्लांट नहीं था कहीं से भी कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट था इसलिए बेलजार का जो पेपर है वो वैसा ही ब्लू का ब्लू ही रह जाता है ठीक है एंड थोड़े बहुत हम वाटर के ड्रॉपलेट्स भी वहाँ पे ईजिल देख सकते हैं हैंस ये पहले भी हमने देखा था कि इट वॉज ऑलरेडी प्रूफ दैट कि वाटर के ड्रॉपलेट्स शो कर रहे हैं कि प्लांट की बॉडी जो होती है जो प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं जैसे लीव्स हो गए वो सब क्या करते हैं वाटर को सॉरी वाटर को ट्रांसपीरेट करते हैं वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं ठीक है एंड सेकेंड कोबॉल्ट क्लोराइड का पेपर का कलर चेंज होना ब्लू से पिंक होना भी प्रूफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे तभी वो पेपर जो है उसे कॉन्टैक्ट में आते ही कलर अपना चेंज कर लिया ओके सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द ट्रांसपीरेशन मेथड ओके द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपरेशन अब हम ट्रांसपरेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं मेजर करने के लिए यहाँ पे आपने तीन मेथड हमने यूज़ किए हैं पहला मेथड है वेहिंग मशीन वेहिंग मशीन में हमने एक पॉटेड प्लांट रखा हुआ है और उसका हमने पहले आ, हम, आ, हमने पहले देख लिया था कि उसका वेट कितना हमने उसको इनिशियल रीडिंग उसकी नोट कर ली उसका वेट कितना था कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हमने नीचे वाले पोर्शन को हमने कवर कर दिया कि वहाँ से कोई भी वाटर जो है ट्रांसपीरेट ना हो सके आफ्टर थ्री टू फोर आवर्स जैसे ही ट्रांसपिरेशन उसमें से होता है आ, प्लांट में से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपायर होने लगते हैं तो उसका वेट जो होता है वो कुछ कम होने लगता है ठीक है जैसे कि आप आ, बलून में अगर आप फुल्ली वाटर भर देंगे और वो जब स्टर्जिट हो जाएगा यानी स्वेल्डअप हो जाएगा तो उसका वेट और उसमें से जब आप वाटर निकाल देंगे और उसके बाद जो उसका वेट होगा तो दोनों में डिफ्रेंस होगा राइट वैसे ही जब आप प्लांट को रखेंगे तो एट फ्रेश प्लांट को जब आप रखेंगे तो उसका वेट इनिशियल वेट कुछ और होगा बट आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इट्स स्टार्ट ट्रांसफायरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स बॉडी आफ्टर कुछ टाइम उसका जो फाइनल वेट हम कैलकुलेट करेंगे वो कुछ डिफरेंट होगा ठीक है फिर आप इनिशियल वेट से जो हमने पहले लिया था उससे आप अगर फाइनल वेट को माइनस कर देंगे तो आपका मेजर ट्रांस कितना अमाउंट में ट्रांसपरेशन हुआ है वो आप मेजर कर सकते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है ना देन नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट uh, एक्सपेरिमेंट जो दिया हुआ है वो आपका एक अपने बॉटल ली हुई है बॉटल में आपने प्लांट के ट्विग यानी एक स्टेम uh, लगाई हुई है प्लांट की जो कि रूटेड है ठीक है आपको पहले ही पता है कि रूट जो होते हैं वो वाटर को ईजली एब्जॉर्ब कर लेते हैं ठीक है ना थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ठीक है हमने uh, बॉटल के साथ में एक ग्रेटिट सॉरी ग्रेजुएटेड ट्यूब लगाया हुआ है वो ग्रेजुएटेड ट्यूब जो होती है वो हेल्प कर रही है हमें मेजरमेंट के लिए कि कितने अमाउंट में वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया गया है ठीक है अब जैसे ही थोड़ी, थोड़ी हमने पहली फाइनल रीडिंग ले ली क्योंकि बॉटल हमने फुल रखा हुआ है ग्रेटुएटेड ट्यूब ट्यूब में जितना वाटर था लेवल जो था वो लेवल का हमने इनिशियल रीडिंग हमने नोट कर ली ठीक है आफ्टर सिक्स टू सेवन आवर्स आफ्टर सिक्स टू सेवन आवर्स हम देखते हैं कि वाटर लेवल जो था वो ट्यूब से या बॉटल से क्या हो गया वो नीचे जाने लग गया ठीक है घटने लग गया कम होने लग गया क्यों क्योंकि प्लांट uh, जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब uh, क्यों कर रहा है क्योंकि उसके पास में कमी हो रही है वाटर की उसके पास में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं और कम क्यों हो रहे हैं क्योंकि रेगुलर uh, अमाउंट में जो लीव्स हैं वो वाटर को अपने पास से ट्रांसपायर कर रही हैं ठीक है तो जैसे ही वाटर ट्रांसपायर होता है तो उनके सेल्स में क्या होता है एक प्रेशर डेवलप होता है जिसके कारण में वो क्या करते हैं वो थ्रू एसेंट ऑफ सैप वाटर के मॉलिक्यूल्स को और अपनी तरफ ट्रांसपीरेशन पुल्स के थ्रू अपनी तरफ में खींचते हैं आपने ऑलरेडी ट्रांसपीरेशन पुल पढ़ा है कि जैसे ही सेल्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स की कमी होती है रूट प्रेशर डेवलप एक टर्गर प्रेशर डेवलप होता है वो टर्गर प्रेशर क्या करता है हेल्प करता है ट्रांसपरेशन पुल के लिए ठीक है ना तो क्या होता है वाटर से वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं और इसी तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस हो रहा है तभी लीव्स एक्सेस अमाउंट में वाटर को जो है वो अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर रही हैं और वाटर का लेवल कम हो रहा है ठीक है द थर्ड एक्सपेरिमेंट इज गिवन इन अ टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब में आपने एक प्लांट की ट्विग ली हुई है और टेस्ट ट्यूब के टेस्ट ट्यूब को हमने फुल्ली वाटर से भर दिया हुआ है फिर हमने एक प्लांट का ट्विग या लीफ शूट जो होती है उसको हमने आ, उसके अंदर डाल दिया है आ, उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने दो ड्रॉप ऑयल डाल दिया है कि वाटर जो है वो कहीं और से यानी टेस्ट ट्यूब से डायरेक्टली एवोपरेट ना हो सके ठीक है क्योंकि डायरेक्टली एवोपरेट हो जाएगा तो वाटर का लेवल वैसे ही कम होने लग जाएगा इसलिए हम चाहते हैं कि डायरेक्टली एवोपरेट ना हो इसलिए हमने उसके ऊपर वाटर के ऊपर में एक ऑयल का ऑयल डाल दिया जो कि उसको ब्लॉक कर दिया कि वाटर डायरेक्ट ऊपर ना आ सके ठीक है आफ्टर थ्री टू फोर आवर्स हम देख सकते हैं कि जो वाटर का लेवल है वो कुछ नीचे जाने डाउनवर्ड्स जाने लगे गया नीचे जाने लगता है क्यों क्योंकि द सेम वे जितने अमाउंट में वाटर ट्रांसपायर होगा उतने ही अमाउंट में वाटर क्या होगा एब्जॉर्ब भी करेगा प्लांट ठीक है ना क्योंकि जब उसके पास में वाटर के सेल्स में कमी होने लगेगी तो सेल्स वो वाटर को वापस लेना चाहेंगे ठीक है जैसे कि हम देखते हैं ना कि हम अगर हम खाना खा रहे हैं कुछ देर बाद जैसे हमें भूख लगने लगती है हम दोबारा वही अमाउंट में खाना खाते हैं ठीक है तो जितने अमाउंट में हम एनर्जी अपनी वेस्ट करें उतने अमाउंट में हम एनर्जी वापस खाना खा के गेन भी करते हैं ठीक है तो हैंस दिस ऑल प्रूफ्स यू दैट कि हम किस तरीके से वाटर को ट्रांस मेजर कर सकते सॉरी ट्रांसपरेशन को मेजर कर सकते हैं हम इनिशियल रीडिंग लेंगे पहले क्या था उस प्लांट का एंड देन आफ्टर थ्री टू फोर आवर्स हम वापस उसकी रीडिंग लेंगे और देन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें कैलकुलेट हो जाएगा कि क्या पर्टिकुलर प्लांट की ट्रांसपरेशन कितनी थी सपोज़ आई शो यू कि देखिए जैसे कि अगर हमने सपोज ये वेइंग किया है तो प्लांट का वेट जो इनिशियल वेट था इनिशियल वेट था वो सपोज फाइव के जी था ठीक है आफ्टर सिक्स आर्स उसका फाइनल वेट जब ट्रांसपेरेशन हो चुका है तो फाइनल वेट सपोज उसका फाइनल वेट टू के जी बच रहा है ठीक है ना तो हम क्या करेंगे इनिशियल से फाइनल को माइनस कर देंगे तो फाइव माइनस टू कितना बचेगा आपका थ्री के जीज तो थ्री के जो है वो प्लांट का आपका थ्री के जो आ, था थ्री के जीज अराउंड अबाउट वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं थे वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकल चुके हैं ठीक है ठीके? ना ट्रांसपीरेशन मेथड जो था वो उसमें हो चुका है ठीक है देन दिस वे वी कैन कैलकुलेट हाउ वॉट इज द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपीरेशन इनिशियल वैल्यू से हम फाइनल वैल्यू को माइनस कर देंगे और जो आंसर हमारा बचेगा दैट विल बी द मेजरमेंट ऑफ

ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा कि क्या चीज़ होता है ये प्रोटोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ईजिली आपके लैब में अवेलेबल होता है ये एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका एक पाइप लगी हुई होती है ठीक है और इसके साथ में हम रिजर्वायर अटैच करते हैं ठीक है तो हमने क्या किया है इस ग इसको हम गैनॉक्स प्रोटोमीटर कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं गैनॉक्स पोटोमीटर क्यों गैनॉक्स प्रोटोमीटर कहते हैं क्योंकि गैनॉक्स जो थे वो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी उन्होंने इसके बारे में बताया था इसलिए हमने आ, इस पोटोमीटर को उन्हीं के नाम से रख दिया गैनॉक्स प्रोटोमीटर इसमें क्या होता है ये आपका पूरा प्रोटोमीटर ऑलरेडी पूरा अरेंज होता है आप इसको सिर्फ इसमें आपको एक प्लांट की ट्विक रखनी होती है और इसको पानी से भरना होता है ठीक है रिजर्व का, का काम सिर्फ इतना होता है कि वो अगर प्लांट आ, वो जो आपका ट्यूब है जो गेनॉक्स प्रोटोमीटर का जो ट्यूब है अगर जैसे खाली होने लगता है तो रिजर्वायर क्या करता है उसको उसके अंदर में एक्स्ट्रा पानी रहता है हम वहाँ से उस पानी को फिलअप करके पानी वापस ट्यूब में फिल कर सकते हैं ठीक है रिजर्वायर का काम क्या होता है कि पानी को वापस फिल करने में ट्यूब में हेल्प करता है ठीक है नेक्स्ट एक कैपिलरी uh, ट्यूब उसके साथ अटैच होती है जो कि मेजरमेंट के लिए हेल्प uh, करती है इसमें आपके स्केल uh, इस कैपिलरी ट्यूब में स्केल बनी हुई होती है जो कि हमें बताती है कि uh, uh, कितने अमाउंट में मेजरमेंट कितने अमाउंट में वाटर ट्रांसपिरेट हुआ है ठीक है अब इन सब के बीच में हम uh, इन सब से एंड के साइड में हम एक बीकर वाटर से भरा हुआ बीकर लगा देंगे वो बीकर क्या करता है कि वाटर से फिल्ड होता है और हमें दिखाता है कि कितने अमाउंट में ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस हुआ है तो बीकर में जो हम वाटर लेते हैं वो थोड़ा सा कलर्ड लेते हैं क्योंकि कलर्ड वाटर ईजिली शोन हो जाता है कि कितना वाटर कितने अमाउंट में वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम उसको थोड़ा सा पिंक कलर में वाटर को ले लेते हैं ठीक है पिंक कर लेते हैं कुछ भी आ, कलर डाल करके उस वाटर में तो इसका प्रोसीजर क्या होता है हम सबसे पहले एक प्लांट का स्टेम लेते हैं और उसको आ, वाटर के अंदर में ही कट करते हैं क्योंकि वो प्लांट का जो ट्विग होता है वो जल्दी सूख ना जाए या उसमें कुछ भी उसके कारण में कोई बबल ना वाटर में क्रिएट हो इसके लिए हम क्या करते हैं वाटर में उसको कट करते हैं और उसको सीधे जो आपका पोटोमीटर का जो माउथ पार्ट है उसमें उसको कवर कर देते हैं ठीक है आई आई एल शो यू सी दिस दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ़ द पोटोमीटर ये आपका माउथ पार्ट होता है पोटोमीटर का ये जस्ट एक टेस्ट ट्यूब जैसा देखने में होता है इसके ऊपर में हम एक कॉर्क लगा देते हैं इसके माउथ को हम क्लोज कर देते हैं और इसमें एक हमने प्लांट की ट्विक को जो है वो ऐड कर दिया है ठीक है ना रिजर्व का, का काम क्या होता है कि ये जब वाटर जो होता है वाटर का लेवल जब कम करने होने लगता है तो ये क्या करता है उसको वाटर को फिल वापस फ़िल करने में हेल्प करता है ठीक है जैसे ही वाटर का लेवल कम होगा अगर हमें दोबारा फिर से रीडिंग लेनी है या ज़्यादा टाइम के लिए रीडिंग लेनी है तो ये क्या करता है उसको वापस फिल करने में हेल्प करता है ठीक है दिस इज कॉल्ड एज योर कैपिलरी ट्यूब या फिर आप कह सकते हैं इसे ग्रेटुएटेड ट्यूब कहते हैं जिसमें कि स्केल्स दी रहती हैं इसमें नंबरिंग दी हुई है और स्केल हेल्प करता है कितने अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है ठीक है यहाँ बीकर में हमने कलर्ड वाटर लिया हुआ है आ, इसका पोटोमीटर का जो कैपिलरी ट्यूब है उसको हमने आ, एक साइड में वाटर में डिप करते हैं सबसे पहले हम कैपिलरी ट्यूब के एंड में यहाँ इस ये इस पोर्शन में हम क्या करते हैं आ, ये जो आपका एंड दिख रहा है एंड पोर्शन दिस वन जिस एंड पोर्शन में हम एक अपना थम लगा देते हैं और उसको बहुत ध्यान से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ध्यान से हम उसको वाटर के अंदर के बीकर में डालते हैं वाटर जिस बीकर में उसमें डालते हैं हमें बहुत ध्यान से इसलिए करना रहता है क्योंकि जैसे ही आप इस ट्यूब को वाटर के बीकर में डालेंगे तो बबल्स जो होंगे वो तुरंत क्रिएट होते हैं हमें बबल्स नहीं क्रिएट करने हैं हमें सिर्फ एक बबल सिर्फ उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर चाहिए ज़्यादा बबल्स नहीं चाहिए ठीक है ना एक बबल भी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें रेट ऑफ़ ट्रांसपरेशन कितने अमाउंट में ट्रांसपरेशन हो रहा है वो बबल हमें हेल्प करेगा कि वाटर जो है वो कितने कहाँ तक पहुँचा है रेट ऑफ ट्रांसपरेशन क्या है उसका ट्रांसपरेशन का रेट क्या है ठीक है तो बबल के बबल के हेल्प से हम ईजिली जो हमारी रीडिंग है उसको हम पढ़ सकते हैं वो एक पॉइंटर एज अ पॉइंटर वर्क करता है बबल ठीक है तो जहाँ जहाँ बबल पहुँचेगा हम उस पॉइंट को नोट कर लेंगे ठीक है तो हमें बहुत ही ध्यान से उस ट्यूब को उस वाटर के अंदर में है कि बहुत सारे बबल्स ना क्रिएट हो सके सिर्फ एक बबल को हमें इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपना थम लगाते हैं कैपिलरी ट्यूब के माउथ में और उसके बाद फिर उसको धीरे से वाटर के बीकर में डालते हैं और बहुत ही ध्यान से हम उस ट्यूब को आ, अपने सॉरी अपने थंब को हटाते हैं ठीक है क्योंकि उसमें से जैसे ही क्योंकि ऑलरेडी उसमें वाटर भरा हुआ है आप जैसे उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे बीकर में डालेंगे तो वो वाटर जो होगा वो बाहर निकल करके बहुत सारे बबल्स जो होगा वो क्रिएट कर देगा ठीक है सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एक लिमिटेशन होता है पोटोमीटर का एंड लिमिटेशन्स भी आपके एग्जाम में आती है कि लिमिटेशन्स क्या क्या होती हैं पोटोमीटर की तो पहला लिमिटेशन ये होता है कि हमें एयर बबल को बहुत ध्यान से इंट्रोड्यूस करना होता है कैपिलरी ट्यूब में ठीक है द नेक्स्ट वन इज़ ध्यान रखना है तो है कि हमें कि जो आपका लीफ ट्वेग है जो आपने कट शूट जो डाला जो छोटा सा प्लांट आपने इंट्रोड्यूस किया है उस बीकर के अंदर में पोटोमीटर में वो क्या होता है वो बहुत देर के लिए नहीं सर्वाइव कर पाता ठीक है क्योंकि वो ऑलरेडी कटेड है तो बहुत देर के लिए नहीं सर्वाइव करता तो हमें जो भी रीडिंग्स लेनी है वो छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड्स के लिए हमें रीडिंग लेनी पड़ेगी ठीक है ना तो ये बहुत देर तक नहीं सर्वाइव कर पाता है ठीक है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द थर्ड ये भी आपका से एक लिमिटेशन होता है थर्ड लिमिटेशन ये होती है कि आप पर जो भी एक्सपेरिमेंट जहाँ भी परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल और मिनिमम होना चाहिए बहुत हाई टेम्परेचर क्या करता है आपके एक्सपेरिमेंट में चेंजेस ले आता है क्योंकि क्या जब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है या आ, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है एयर में तो क्या होता है वो इफ़ेक्ट करता है एयर बबल को जो कैपिलरी ट्यूब में हमने एयर बबल इंट्रोड्यूस किया है उसको वो इफ़ेक्ट करता है इसलिए जो भी टेम्परेचर वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होना चाहिए ठीक है तो हमने क्या किया है हमने रूट जो जो प्लांट था, उसको हमने कट कर लिया है और उसको सॉरी टेस्ट ट्यूब जो पोटोमीटर का जो माउथ पार्ट है टेस्ट ट्यूब पार्ट है उसके अंदर में उसको हमने फिक्स कर दिया है और उस माउथ पार्ट को हमने क्या किया है एक कॉर्क uh, के थ्रू से क्लोज कर दिया है ठीक है नेक्स्ट हमने क्या किया है कि वहां पे हमने एयर बबल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है धीरे से हमने क्या किया धीरे से हमने उसको बीकर में डाला और एक सिंगल एयर बबल को हमने वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है आफ्टर हम अब ट्वेंटी हम हमने ये रीडिंग नोट कर ली कि कहाँ पे एयर बबल किस पोजीशन पे था सपोज एयर बबल ये बिल्कुल स्टार्टिंग ये इस पोजीशन पे यहाँ पे दिया हुआ है एयर बबल ठीक है ना अब क्या हुआ जैसे जैसे हम ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स में रीडिंग नोट करेंगे ट्वेंटी आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स एयर बबल सपोज इस जगह पे पहुंच गया यहाँ ऊपर पहुंच गया हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे ठीक है आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स एयर बबल यहाँ पे पहुंच गया तो हम उस रीडिंग को नोट कर लेंगे आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स एयर बबल यहाँ पे पहुंच गया हम उसको नोट कर लेंगे तो जो हमारी फाइनल रीडिंग होगी वो क्या होगी सपोज एयर बबल यहाँ पर ये यह आपको दिख रहा है एयर बबल ये लेबल किया हुआ है एयर बबल यहाँ पर पहुँचा हुआ है ठीक है ना तो ये हमारी क्या हो जाएगी फाइनल रीडिंग हो जाएगी तो ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स में कितने अमाउंट में प्लांट जो है वो वाटर को ट्रांसपायर कर रहा जितना वो अमाउंट में ट्रांसपायर करेगा वैसे ही क्या होगा वाटर का बबल जो होगा वो आगे की तरफ में खसकेगा क्योंकि वाटर क्या कर रहा है जैसे जैसे ट्रांसपायर हो रहा है वैसे वैसे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है ठीक है ना एक तरफ से पानी निकल रहा है दूसरी तरफ से पानी को क्या कर रहे हैं सेल्स प्लांट के एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर में टर्गर प्रेशर ना बन पाए उनके अंदर में कोई भी प्रेशर ना डेवलप हो सके इसलिए क्या होता है ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है वो हमेशा इक्वल अपना बैलेंस हमेशा बनाए रहता है जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन हो रहा है वैसे वैसे वो पुलनेस भी हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ में खींच भी रहे ठीक है तो एयर बबल हमें हेल्प करता है कि कितने अमाउंट में हमारा एयर हमारा वाटर जो है वो ट्रांसपायर हुआ है ठीक है हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को हम माइनस कर देंगे और हम निकाल देंगे कितने अमाउंट में वाटर जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन था वो कितना था रिजर्व का, का काम होता है अक्सर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ रिजर्व वायर रिज़र्वयर का वर्क क्या होता है जब भी जब कभी भी पानी जो आपके ट्यूब में वापस फिल करने की जरूरत पड़ती जब पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है वापस फिल करने की ज़रूरत पड़ती है तो रिजर्ववायर का हम ये नॉब जो है उसको ओपन कर देते हैं और रिजर्वायर के थ्रू पानी जो होता है वो वापस कैपिलरी ट्यूब में आपका फिल हो जाता है ठीक है एंड दिस वॉज ऑल अबाउट एयर बबल का काम क्या है एयर बबल सेकेंड क्वेश्चन आपका बनता है वॉट इज द वर्क ऑफ एयर बबल एयर बबल जो हेल्प करता है वो आपका रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है ठीक है तो ये एक्सपेरिमेंट जो पोटोमीटर एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट को इस प्रोसेस को हम ये जो आपका दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं गैनॉक्स प्रोटोमीटर कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट uh, को हम क्या कहते हैं गैनॉक्स पोटोमीटर ठीक है रिमेंबर दिस ये भी एक क्वेश्चन आता है इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को गैनॉक्स पोटोमीटर कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं हम रेट ऑफ ट्रांसपरेशन कैलकुलेट करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एयर बबल का काम क्या है एयर बबल मेजर करता है कितना रेट ऑफ ट्रांसपरेशन हुआ है इट हेल्प्स टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन रिजर्व का काम क्या होता है रिजर्व का काम का होता है कि जब कैपिलरी ट्यूब में पानी कम हो जाता है तो रिजर्व पानी को वापस फिल करने में हेल्प करता है लिमिटेशंस दो इसकी क्या चीज़ है? पहला लिमिटेशन टू इंट्रोड्यूस द एयर बबल सेकेंड लिमिटेशन प्लांट ट्विग जो बहुत देर तक नहीं रह सकता इसलिए हमें अपनी रीडिंग्स की जो गैपिंग है उसे आ, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रखना चाहिए या फिर टेम्परेचर को मिनिमम होना चाहिए कि एयर बबल जो है वो इफेक्टेड ना हो सके ओके सो दिस इज ऑल अबाउट पोटोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज इसको ध्यान से पड़ेगा एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है ट्रांसपीरेशन का ही पूरा एक्सपेरिमेंट है पर दिस इज द इम्पॉर्टेंट पूरे चैप्टर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू द नेक्स्ट इज काइंडस ऑफ ट्रांसपिरेशन दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्ट सॉरी दिस वीडियो काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्री टाइप्स के होते हैं ट्रांसपिरेशन आपके आ, पहला होता है आपका स्टोमेट सॉरी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन सेकेंड होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और थर्ड होता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे स्टोमेटल जो होता है वो स्टोमेटा में होता है ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है तो उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं जो क्यूटिक क्यूटिकल्स के थ्रू होता है ट्रांसपिरेशन उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं और जो लेंटी सेल्स के कारण होता है ट्रांसपिरेशन उन्हें हम लेंटिक्यूलर ट्रांसपरेशन कहते हैं ठीक है एक एक करके हम ये सारे ट्रांसपरेशन देखेंगे कैसा क्या चीज होता है सो so, सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपरेशन स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स कन्फाइंड टू एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन शूट एंड लीव्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर फ्राम द प्लांट टिश्यूज टेक्स प्लेस ट्रू द स्टोमेटल ओपनिंग्स स्टोमेटल ट्रांसपीरिएशन क्या होता है प्लांट में आपको सबको पता है कि लीव्स में क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ठीक है ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और वाटर को सबसे ज़्यादा जो वाटर ट्रांसपीरेट होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है ठीक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स इसमें क्या होता है आपके स्टोमेटाज में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ठीक है इसमें क्या होता है गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स में जैसे ही इनके सेल्स में जैसे ही पानी की आ, कमी होती है तो एक प्रेशर डेवलप होता है जो कि क्या करता है लार्ज अमाउंट में वाटर को पूरे बॉडी से अपनी तरफ में खींचने के अपनी तरफ में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और जैसे ही स्टोमेटा काफ़ी ज़्यादा जो गार्ड सेल्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा पानी उनमें भर जाता है फिल्ड हो जाता है तो ये टर्जिट हो जाते हैं यानी स्वेल्डअप हो जाते हैं जैसे ये स्वेल्डअप होते हैं तो इनका जो माउथ होता है गार्ड सेल्स का जो माउथ होता है जो कि कर्व पोर्शन भाई गार्ड सेल्स किडनी शेप में होते हैं तो ये जो कर्व होता है वो क्या हो जाता है वो खुलना ओपन हो जाता है दोनों कर्व जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो आफ्टर दैट ये क्या होते हैं ओपन होने लगते हैं आई शो यू सी ये जो आपका ये आपका गार्ड सेल्स कहलाता है ये क्या करते हैं ये बंद रहते हैं ठीक है ना जैसे ही इसमें पानी आता है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं सीयर गार्ड सेल्स क्या होते हैं ये आपस में ओपन हो जाते हैं ठीक है ना ये क्या हो जाते हैं ये ओपन हो जाते हैं इसके बाहर में आपके सब्सिडरी सेल्स होते हैं अब ये गार्ड सेल्स जैसे ओपन होंगे लार्ज अमाउंट में वाटर जो होता है यहां से क्या हो जाता है ट्रांसपायर होना शुरू हो जाता है ठीक है क्योंकि ये ओपन हो चुके हैं तो जो भी वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ था जब ये बंद थे तो जो भी वाटर एब्जॉर्ब हुआ था जैसे ही ये क्योंकि इसमें अंदर में वाटर भर जाता है तो ये टर्जिट हो जाता है ये क्या हो जाता है ये स्वेल्डअप हो जाता है स्वेल्डअप होने के बाद में ये इंक्रीज कर जाते हैं साइज में बड़े हो जाते हैं और जैसे साइज में बड़े होते हैं तो ये क्या होता है कि इसमें जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण में क्या करते हैं ये आप ये खुलने लगते हैं खुल जाते हैं है और वाटर जो होता है लार्ज अमाउंट में बाहर ट्रांसपायर होने लगता है तो मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर जो होता है थ्रू स्टोमेटा ही होता है ठीक है ना तो स्टोमेटा के थ्रू हम क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट में वाटर जो होता है वो ट्रांसपायर हो जाता है ओके द नेक्स्ट इज योर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है प्लांट के जो क्यूटिकल्स होते हैं जो लीव्स में क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं ठीक है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द क्यूटिकल इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन इसे हम क्या कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं आपने देखा होगा कि जैसे कि बनाना लीव्स बनाना लीव्स में क्या होता है जो उसकी बनाना की जो लीव्स होती हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं ठीक है ना तो जब बहुत ज़्यादा जब बना कुछ लीव जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो उसमें स्टोमेटास भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे अब जब लार्ज अमाउंट में स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे तो लार्ज अमाउंट में ट्रांसपीरेशन भी होगा तो ट्रांसपीरेशन जो होता है वो एब्जॉर्बन से कुछ ज्यादा जल्दी प्रोसेस होता है ठीक है ना तो जब इतना ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपीरेशन हो जाएगा प्लांट में से और वाटर जो होगा वो कम एब्जॉर्ब होगा क्योंकि भाई लीव्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं स्टेम तो स्टेम से वाटर क्या धीरे धीरे ऊपर में चढ़ा क्योंकि लीव्स बहुत ज्यादा बड़ी है तो बड़ीटामेटास बहुत ज़्यादा ज्यादाटास लार्ज अमाउंट में ट्रांसपीरेशन हो रहा है जितना तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो प्लांट क्या हो जाएगा इस तरीके से सेल्स जो होंगी उसकी सूख जाएंगी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी खत्म हो जाएंगी ठीक है तो प्लांट क्या हो सकता है सूख सकता है इसलिए क्या होते हैं जितना ज्यादा बड़ी लीव्स होती हैं उतने ज्यादा अमाउंट में उसके ऊपर में एक कवरिंग होती है लीव्स के ऊपर में ऊपर वाली साइड में ठीक है ना जो वेंट्रल साइड होता है जो ऊपर का साइड होता है उसमें क्या होता है एक नेचुरल तरीके से कवरिंग लगा दी जाती है एक कोटिंग लगा दी जाती है उस कोटिंग को हम कहते हैं क्यूटिकल क्या कहते हैं उस कोटिंग को हम क्यूटिकल कहते हैं ये वैक्सी जैसा होता है कुछ वैक्स जैसा होता है जैसे वैक्स को अगर आप किसी चीज में कवर कर दीजिए तो जो नीचे का लिक्विड पोर्शन होता है वो बाहर नहीं आ पाता क्योंकि वैक्स उसको ढक देता है ठीक है ना वैसे ही लीव्स के ऊपर में एक वैक्सी कवरिंग कर दी जाती है और इस वैक्सिंग कवरिंग को हम कहते हैं क्यूटिकल ठीक है तो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया कि इन बनाना द लीव्स आर बिगर इन साइज ओके एज यूजल सो दे विल लॉस मोर वाटर क्या करेंगे क्योंकि ट्रांसपेरेशन हो रहा है स्टोमेटास बहुत ज़्यादा तो बहुत लाजा अमाउंट में वो करेंगे लॉस करेंगे ठीक है फॉर दैट दे हैव अ वैक्सिंग कवरिंग तो इसके लिए उसमें के पास में क्या होती, कि होती है कि वैक्सीन कवरिंग होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं जो कि ज्यादा अमाउंट अब क्या करता है वो उस के पोर्स को फिल मतलब ढकने की कोशिश करता है पूरा कवर रहता है तो उस के पोर्स क्या हो जाते हैं वो मैगजिमम अमाउंट में क्या हो जाते हैं वो ढक जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वो क्या हो जाता है वो कुछ कम हो जाता है ठीक है तो सम अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वही सिर्फ लॉस होगा क्यूटिकल से और ये क्या करता है मेंटेन करता है प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो जाएगा तो प्लांट का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा गिर जाएगा क्योंकि प्लांट के पास में ज़्यादा पानी भी नहीं रहेगा ठीक है ना तो ये क्या करता है हेल्प करता है मेनटेन uh, करने में तो जो अब वैक्सिंग कवरिंग ये जो क्यूटिकल की वैक्सिंग कवरिंग आ जाती है तो इसके थ्रू क्यूटिकल्स uh, जो होते हैं फिर हेल्प करते हैं वाटर को बाहर कम अमाउंट में निकालने की ठीक है ऐसे जितने ज़्यादा बड़ी लीव्स होगी उतना ज़्यादा क्यूटिकल्स की कवरिंग वैक्सी कवरिंग हो जाएगी उसके ऊपर में आपने देखा होगा बनाना की लिप्स कितनी चिकनी सी कितनी शाइनी सी होती है ना, ना बिल्कुल स्मूथ सी होती है इसमें क्योंकि उसके ऊपर में वैक्सी एक वैक्सी कवरिंग होती है ठीक है ना और यही क्यूटिकल जो होता है उसको हेल्प करता है कि ज़्यादा अमाउंट में वाटर बाहर ना सके आ सके बहुत कम अमाउंट में वाटर जो है वो वहाँ से ट्रांसपायर हो सके सो दिस इज़ कॉल्ड एज क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन इसे हम क्या कहते हैं क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कहते हैं ठीक है द नेक्स्ट वन इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन थर्ड ट्रांसपिरेशन आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है लेंटिकुलर uh, ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि uh, जो आपके बarks प्लांट सॉरी ट्रीज के जो बाक होते हैं जो बहुत मोटी-मोटी स्टेम्स -मोटी होती हैं वो वुडी इन नेचर होती हैं काफी ज्यादा वुडी होती हैं ठीक है थीके? अब लीव्स में से ट्रांसपिरेशन तो हो ही रहा है पर जिन ट्रीज में जिन वुडी स्टेम्स में ट्रांसपरेशन उनके क्या होता है प्लांट्स स्टेम्स के थ्रू होता है ठीक है उन स्टेम्स के थ्रू कैसे होता है जैसे कि आपके लीव से ट्रांसपरेशन हो रहा है वैसे स्टेम से हो रहा है तो जो वुडी स्टेम्स होती हैं बहुत ज्यादा जो ब्राउन कलर के आप देखते हैं ना बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ों में बहुत मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं बार्क जिसे हम कहते हैं उनमें क्या होता है छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं गांठ जैसा स्ट्रक्चर आने लगता है एंड दैट वो गांठ को हम कहते हैं लेंट टी सेल्स उसे हम क्या कहते हैं लेंटी सेल्स कहते हैं ठीक है ठीके? तो बहुत ज्यादा जब पुराने पेड़ हो जाते हैं तो उनमें से वाटर का जो ट्रांसपेरेशन होता है अब क्योंकि वो ऑलरेडी ब्राउन हो चुके काफी हार्ड हो चुके हैं तो उनमें से वाटर का ट्रांसपरेशन किसके थ्रू होता है उन्हीं गांठे गांठों के थ्रू उनमें क्या हो जाता है लेंटी सेल्स डेवलप हो जाते हैं उन लेंटी सेल्स में से क्या होता है वाटर का ट्रांसपरेशन होता है ठीक है दीज लेंटी सेल्स ऑलवेज ओपन ये क्या होते हैं हमेशा ओपन होते हैं कि इससे क्या होता है सम अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो हमेशा उससे लॉस होता रहता है ठीक है लेंटी सेल्स जो होते हैं कभी क्लोज नहीं होते हैं ठीक है ठीके? जैसे कि ट्रीज में जैसे नाइट के समय में स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं आपके तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन तो प्रोसेस नहीं पॉसिबल नहीं है तो बड़े बड़े प्लांट्स में बड़े बड़े ट्रीज में कैसे होगा भाई छोटे प्लांट्स में तो होता है कि हर्बेशियस प्लांट्स में कैसे होता है कि आपका गटेशन प्रोसेस है यानी जो लीव्स की एजेस होती हैं लीव्स की जो आ, टिप्स होते हैं उसमें से वाटर जो होता है डायरेक्ट उज आउट होने लगता है ठीक है ना पर अब इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उससे वाटर कैसे निकलेगा क्योंकि रात के समय में तो एब्जॉ ट्रांसप्रेशन बंद हो जाता है क्योंकि स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं पर एब्ज़ॉर्पन तो हो ही रहा है वाटर का ना तो वो क्या करते हैं उसमें से जो लेंटी सेल्स होते हैं वुडी ट्रीज़ में वो लेंटी सेल्स हमेशा ओपन होते हैं और वो वाटर को क्या करते हैं बाहर निकालने में हेल्प करते हैं तो ठीक है इससे क्या होता है कि प्लांट का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा बना रहता है ठीक है अगर हम जीरो फिटिक प्लांट्स में देखें यानी जो आ, आपके आ, जैसे डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे कि कैक्टस उसमें क्या होता है कैक्टस में भाई अब जीरो आपके डेजर्ट में ज़्यादा वाटर तो प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है तो वहाँ क्या करता है लेस अमाउंट में एबजॉर्प्शन होता है भाई वहाँ पर क्या होता है अमाउंट जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ठीक है सो इससे अब ट्रांसपरेशन भी बहुत कम होगा वाटर क्योंकि उनको वाटर मिलता ही नहीं है ट्रांसपरेशन क्योंकि हीट आ मिल रही है उसे तो ट्रांसपरेशन तो उतना ही होगा तो क्या होगा अब इससे बचने के लिए क्या होगा हो, ट्रांसपरेशन हो रहा है पर वाटर उसे मिल ही नहीं रहा है एब्जॉर्ब करने के लिए इसीलिए क्या करते हैं डेजर्ट एरिया में जितने प्लांट्स होते हैं वो अपनी लीव्स को चेंज वो अपने मतलब उनमें आप ज़्यादा लीव्स नहीं देखेंगे वो क्या हो जाते हैं उनकी लीव्स चेंज हो जाती हैं स्पाइंस में आपने देखा होगा कैक्टस के प्लांट्स में कितने सारे कांटे उनके पत्तियों में कितने सारे कांटे लगे होते हैं ठीक है ना तो ये स्पाइंस जो होते हैं वो स्टोमेटास का जो पोर्स होता है उसको फिल कर देते हैं ठीक है जहां जहां पे स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे वहां वहां से क्या होगा स्पाइन यानी कांटे निकलने शुरू हो जाते हैं वो क्या करते हैं स्टोमेटास के पोर्स को फिल कर देते हैं भर देते हैं ढक देते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो सके और लीव्स पेड़ के अंदर में यानी प्लांट के अंदर में लीव्स के अंदर में वाटर का जो लेवल है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट रहे और उसको वो वाटर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेनटेन रहे ठीक है तो कैक्टस में क्योंकि लेस लेस अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का तो दे रिड्यूस वो अपने को क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं हैं में reduce कर देते क्योंकि क्या करता है है वो stomatas को ढक देता तो stomatas भी रिड्यूस हो जाते हैं एंड दस ट्रांसपिरेशन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है इसके हेल्प से क्या करते हैं वो ट्रांसपिरेशन के अमाउंट को वो कंट्रोल कर लेते हैं ठीक है तो यू हैव सीन अबाउट एवरी थिंग अबाउट द ट्रांसपरेशन अगर ट्रांसपरेशन स्टोमेटा के थ्रू हो रहा तो है।, Second, तो है, है तो बहुत सबसे ज्यादा स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपरेशन होता है सेकेंड ट्रांसपरेशन अगर आप देखें तो आपके क्यूटिकुलर के थ्रू होता है यानी जितनी बड़ी लीव्स होती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपरेशन होने लगता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर एक वैक्सिंग कवरिंग दी दी जाती है जिसके थ्रू आपका जो ट्रांसपरेशन है उसका अमाउंट जो होता है वो कम हो जाता है ठीक है जीरो फिटिक प्लांट्स में भी हम सेम यही करते हैं जो डेजर्ट में एरिया होते हैं वो ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना कर सके इसके लिए उनके लीव्स को किस में स्पाइंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो क्या करते हैं स्टोमेटा के पोर्स को ढक देते हैं जैसे क्यूटिकल ढक देता है स्टोमेटा के पोर्स को वैसे ये भी स्पाइंस भी ढक देते हैं और लेस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो पाता है थर्ड आपका लेंटिक्यूलर है ये आपकी बुडी स्टेम्स में पाया जाता है बुडी स्टेम्स में लेंटिसल्स जो गांठ होती है मोटी मोटी आपने नोटिस किया होगा पेड़ों में दी रहती है अक्सर वो उसके थ्रू क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वाटर जो होता है वो हर वक्त ट्रांसपिरेट होता रहता है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन दिस वॉज द लास्ट स्लाइड इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस ऑफ स्टोमेटास एंड अडाप्टन एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स दैट इफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन Okay, till now, this much only. Thank you. God bless you.